अपन दोस्तों आज हम सीखें डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, पास में पांच के विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों डाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला, आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक न एक प्रश्न निश्चित आता है। पांच, तो पांच दोस्तों देखना है अपनों को कि ये दो डाइस आपको दिए हैं, इनमें से देखना है पहला कि कोई एक अंक कॉमन मिले। जी हाँ दोस्तों, ये दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, क्या और भी कोई कॉमन है? जी हाँ, तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है। तो जब दो अंक अगर कॉमन हो जाए तो जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि पांच के विपरीत क्या होगा? चार होगा। फोर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासे में छह के सामने कौन सा होगा। अब सामने पूछे या पीछे पूछे एक ही बात है। देखिए अब देखने वाली बात है कि छह कहां पे है, छह इसमें भी है और छह यहां पे भी है, छह यहां पे भी, छह यहां पे भी है, पर छह में यहां पे चार और दो है, चार और दो है, छह के यहां पांच और दो है, क्या पांच और दो कहीं मिल रहा है आपको? इसमें तो नहीं है, इसमें मिल रहे हैं पांच और दो, इसमें मिल रहे हैं। देखो दोस्तों ये छह है, इसके बाद क्या है दोस्तों? पांच है और दो है, फिर छह है और पांच और दो है, ये तो मिल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, है ना? लेकिन अब यहां दोनों में छह है तो इनमें कौन सी संख्या बची है? देखो दोस्तों यहां पे दो और इस तरीके से सोल्व नहीं होगा दोस्तों, देखिए इसको किसी और ट्रिक से देखा जाएगा। देखिए इस तरीके से नहीं होगा, इसको देखते हैं अपन, देखो इन दोनों से देखते हैं, इन दोनों से इसको देख लेते हैं। देखिए यहां पे छह है और यहां पे भी छह है, इसको सोल्व करने के लिए देखिए इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। यहां पे दो है देखो और यहां पे दो है, ठीक है, ये दो और दो तो कॉमन हो गया। अब यहां से अपन क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहां से कौन सा आता है? पांच आता है, क्या आता है? पांच, और यहां से क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना आएगा? चार आएगा, फिर यहां से क्लॉक वाइज चलेंगे तो कितना आएगा? पांच, छह आएगा, और यहां से क्लॉक वाइज चलेंगे तो फिर कितना आएगा? छह आएगा। इस तरीके से भी नहीं होगा तो इसको सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किस तरीके से होगा? ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन ही गलत है, किसी और तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीन के विपरीत क्या होगा। देखो दोस्तों यहां से अपन को देखना है तीन के विपरीत क्या होगा। देखिए इन दोनों का ऑप्शन में देखते हैं, ये चार है और ये चार अपनों को एक जैसे मिल गए हैं, तो कुछ नहीं करना, एक अंक दोनों में कॉमन मिल गया तो यहां से घूमते हैं एक आता है, यहां से घूमते कितना आएगा? दो आएगा, फिर यहां से घूमे तो कितना आएगा? छह आएगा, और इसके विपरीत कितना आएगा? तीन। पूछा है तीन के विपरीत क्या होगा, तो छह इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीन के विपरीत क्या होगा? छह होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों इसमें देखना है कि दो कहीं पे आपको नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं पर भी दो नजर नहीं आ रहे हैं, तो कैसे सोल्व किया जाएगा? देखते हैं कौन कौन सा अंक इसमें कॉमन है, पांच इसमें कॉमन है, पांच इसमें भी है। देखो पांच के बाद कितना आएगा इसमें? एक और छह, तो एक और छह, यहां पांच के बाद देखते हैं तीन और चार, तो तीन और चार, और ये पांच है। अब देखना है दोस्तों
कि 6 के विपरीत तो 4 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, अब 5 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो दोस्तों कौन सी संख्या है ऐसी जो इसमें नहीं है? देखो तो एक के बाद दो नहीं है, 3, 4, 5 और 6, यानी दो नहीं है, तो 2, 5 के विपरीत क्या होगा, 2। आपसे पूछा कि 2 के विपरीत क्या होगा, 5, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। देखिए 4 के विपरीत क्या होगा, अब आपसे पूछा यहां पे 4 के विपरीत क्या होगा, ये आपको देखना है। देखो 4 के विपरीत क्या होगा, है ना। अब दोस्तों पासा यहां पे 1 ही दिया है, पासा यहां पे 1 ही दिया है। अब देख रहे हैं दोस्तों कि इसकी जो निकटवर्ती सतह है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, 7 नहीं है। 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, 7 नहीं है। 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, फिर भी 7 नहीं है। जब इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तो ये कौन सा होता है, सामान्य पासा, मानक पासा, ये होता मानक पासा। जब निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है तो इसकी जो विपरीत सतह है उनका योग 7 होगा। विपरीत का योग क्या होगा, 7 होगा, यानी कि 2 के विपरीत क्या होगा, 5, 5 ने 2, 7। 4 के विपरीत क्या होगा, 3, 3 और 4, 7। और 6 के विपरीत 1 होगा, 6 और 1, 7। तो आपसे पूछा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 3 होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 के विपरीत क्या होगा, अब देखते हैं कोई दो निकटवर्ती सतह, देखो 5 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 है तो ये सामान्य पासा, और जब ये 7 है तो इसके विपरीत का योग 7 नहीं होगा, विपरीत का योग 7 नहीं होगा, तो क्या होगा, अब देख सकते हैं। देखो अब आपसे पूछे कि 5 के विपरीत क्या होगा, देखते हैं 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 2 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 तो सामने दिख रहा है, 2 यहां पे सामने दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, तो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है। इस 5 के विपरीत इनमें से कौन सा भी एक है? हाँ हाँ, अरे नहीं कर रहा, कोई भी एक अंक होगा। अगर 3 के विपरीत पूछे तो 5 और 2 नहीं होगा, तो 4, 6, 1 में से कोई भी होगा, और वही 2 के विपरीत भी 4, 6, 1, इनमें से कोई भी अंक इसके विपरीत हो सकता है, बस। तो इस तरह से ये आपका डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।